आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। आज हम आपको कारगिल युद्ध के ऐसे लड़ाके के गांव ले चलते हैं जिसके परिजन उसकी शहादत पर गर्व कर रहे हैं और उसके परिवार के बच्चे तक देश पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज कारगिल दिवस है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गाँव मलूपुर के शहीद धर्मवीर सिंह कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। गांव में शहीद के सम्मान में एक प्रतिमा लगाकर पार्क बनाया गया है। शहीद के परिवार में मां, छोटे भाई, पत्नी और भतीजा ही हैं। शहीद के भाई की भी बिजली करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार में तीन ही लोग हैं। शहीद की मां को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद की मां ने बताया कि बेटे की शहादत पर गर्व है, मेरे बेटे ने देश की रक्षा की थी और आज भी बेटा बहुत याद आता है और छोटे बेटे की भी याद आती है। मैं तो अकेली रह गई हूँ। छोटे बेटे का बेटा कहता है कि बड़ा होकर मैं भी फौज में जाऊँगा और देश की सेवा करूँगा। शहीद सम्मान में होने वाले कार्यक्रम रद्द हो गए हैं जिनका पत्र मिला है, तो वहीं छोटे भाई का बेटा अपने ताऊ की तरह ही फौज में भर्ती होना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। ऐसे शहीदों और ऐसे शहीदों के परिजनों को खबर एक्सपर्ट भी सलाम करता है। कार्यक्रम होने को बुला रहे थे, अब वो कैंसिल हो गया। ऐसे में पूरा ना चल रहा, तो अकेली हूँ मैं, तो अकेले पर महसूस तो हूँ, तो है अकेली हूँ। इक्कीस साल होंगे बेटा। उनसे कुछ जुड़ी यादें हो वो बताना चाहिए? याद तो बहुत जुड़ी है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तो, बहुत माँ बाप को बहुत ख्याल रखता हूँ। परिवार में कितने सदस्य थे? परिवार में क्या कहते हैं, दो चार बेटी थी और दो बेटा थे, एक धर्मवीर था बड़ा और बेटी थी छोटी, उससे बीच की, फिर सबसे छोटा था रवि, जो वो लाइट खत्म है चुका। मेरे बेटा एक ना है, तो अकेली महसूस करती हूँ। बहुत रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है, मेरी बेटी याद करते हैं, मैं भी याद करती हूँ, हाँ बेटी याद करते हैं, रोमत है, याद करते हैं कि भैया हो तो रखा वर्तन बांधती, राखी करती, तिलक करती, वो मत है। हर साल यादें जो ताजा हो जाती हैं, जैसे भी कारगिल दिवस आता है, हर साल ताजा है जहाँ पे, हर साल याद करते हैं बेटी ने, भैया ने, एक भैया ना रहे हो, दोनों ना मिलते। छोटे बेटे के बेटे भी हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बनाएंगे आप उनको? छोटे बेटा पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, और क्या कहते हैं, फौज में भेज दूंगी नौकरी को, पढ़ाई लिखाई बुद्धि से ही सेवा करे हो। मेरा नाम चेतन चौधरी है और मेरे ताऊ कारगिल के युद्ध में खत्म शहीद हो गए थे, और मेरा भी सपना है कि मैं बड़े होकर फौज ज्वाइन करूं और उनका सपना पूरा करूं,